question of the day is, X promises to donate 10,000 towards the repairs of a temple. X does not pay. Can the trustees recover the promised amount from X? In case 1, if they have not incurred any liability on the faith of X promise. And case 2, if they have incurred any liability on the faith of this promise. तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो, किसी ने डोनेट पैसे डोनेट करने का प्रॉमिस किया था कि मंदिर बनाने के लिए मैं पैसे डोनेट करूँगा. तो अब इसमें दो केसेस हैं, फिर वो बाद में डिनाई कर जाते हैं. तो अब इसमें दो केसेस हैं. फर्स्ट केस जिसमें मंदिर जो बनाने वाले, जो मंदिर की कमेटी थी, उसने बाहर वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कुछ भी, कि मंदिर बनाने से रिलेटेड कुछ भी काम, कुछ भी मंदिर बनाने से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके तहत कोई लाइबिलिटी उन्होंने इनकर कर ली. और दूसरा केस ये है कि ऐसे उन्होंने कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं करी. ठीक है, तो इसके लिए वी रेफर टू टू केस लॉज. फर्स्ट इज़ अब्दुल अजीज़ वर्सेस मासूम अली एंड सेकेंड इज़ केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. सो पहले हम बात करते हैं अब्दुल अजीज़ वर्सेस मासूम अली. इसमें क्या था, मासूम अली ने मॉस्क बनाने के लिए पैसे डोनेट करने का प्रॉमिस किया था, फिर बाद में उसने बोला कि नहीं मैं पैसे नहीं दे सकता. तो जो ट्रस्टीज़ थी उन्होंने जाके मासूम अली पे केस कर दिया कि इसने ये पैसे नहीं दे रहा. तो कोर्ट ने पूछा ट्रस्टीज़ से, क्या तुमने ऐसी कोई लाइक कॉन्ट्रैक्ट करा है, मॉस्क बनाने से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, कोई लाइबिलिटी इनकर करी है? उन्होंने बोला नहीं अभी तक तो नहीं. तो फिर उन कोर्ट ने बोला क्योंकि मासूम अली को कोई भी कंसिड्रेशन नहीं मिली, क्योंकि ऐसे केस में होता है कंसिड्रेशन होता है कि सामने वाला अपना काम करते, अगर उसने काम नहीं करा तो मतलब उसको कंसिड्रेशन नहीं मिली. तो कोर्ट ने बोला क्योंकि मासूम अली के लिए कोई भी कंसिड्रेशन नहीं है एंड उसके प्रॉमिस के फेथ पे सामने लाइक ट्रस्टीज़ ने कोई भी ऐसी लाइबिलिटी भी इनकर नहीं करी, देयरफॉर मासूम अली इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी अमाउंट. फिर उसके बाद आते हैं केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. गौरी ने प्रॉमिस करा एक सिटी हॉल बनाने के लिए कि वो पैसे डोनेट करेगी, फिर उसने मना कर दिया. ठीक है, बट मना करने से पहले ही जो कमेटी थी सिटी हॉल बनाने के लिए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से डील कर ली कि आप हमारा सिटी हॉल बनाएंगे इतने पैसों में. ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, उन्होंने लाइबिलिटी इनकर कर ली. फिर उसके बाद गौरी मोहम्मद ने मना करा. तो कोर्ट ने इस केस में बोला कि नो, गौरी मोहम्मद इज़ लाइबल, क्योंकि जो कमेटी थी उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने एक लाइबिलिटी इनकर कर ली ऑन द फेथ ऑफ गौरीज प्रॉमिस. ठीक है, तो इस केस में गौरी इज़ लाइबल टू पे द कमेटी द अमाउंट उसने जो प्रॉमिस किया था टू द कमेटी. ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू ऑफ द बोथ द केस लॉज जिनको हम यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. तो अब आते हैं केस वन. तो क्वेश्चन क्या था केस वन में, इफ दे हैव नॉट इनकर्ड एनी लाइबिलिटी ऑन द फेथ ऑफ एक्स प्रॉमिस. ठीक है, तो इस केस में उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, जो ट्रस्टीज थे उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा. तो इसमें हम कौन से वाला केस की बात करेंगे, अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली. ठीक है, तो अब इसके अब आते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है. सो केस वन, नो द ट्रस्टीज कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एज एक्स मेड अ ग्रैटिट्यूस प्रॉमिस एंड ऑन द फेथ ऑफ हिज प्रॉमिस द ट्रस्टीज प्रॉमिसी डिड नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी. वी नो एज पर सेक्शन 10 कंसिडरेशन दैट इज समथिंग इन रिटर्न इज असेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट and in the above case there is no consideration, thus the agreement is void. So the answer is given with reference from the case law Abdul Aziz versus Masoom Ali. फिर उसके बाद case 2 पे आते हैं. तो उसमें क्या पूछा था, if they have incurred any liability on the faith of this promise. ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे. Case 2, yes the trustees can recover the promised amount from X as on faith of X promise they have incurred a liability. X promise was gratuitous promise but there still existed a consideration for X and that was the consideration and that was the construction of temple
As the trustees incurred a liability for construction of the same, X has received his consideration and now is liable to pay 10,000. This is with reference from the case law Kedarnath versus Gauri Mohan. सो दैट्स इट गाइज, मैं एडवाइस करूँगी कि जाके एक बार इस आंसर को लिख लो ताकि ये आंसर पक्का हो जाए एंड आई एम श्योर कि इससे समझ तो आ गया होगा कि दोनों केसेस में हुआ क्या था. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड समझ भी आ गए दोनों क्वेश्चंस, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके सो बाय.